व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप लोग की और एक नई वीडियो में। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं टेस्ट करने वाला हूँ जस्ट कॉज 3 गेम इन माय लो एंड पीसी जो i3 8 जनरेशन और इंटेल यूएचडी 620 बेस्ड लैपटॉप है। एक i3 8 जनरेशन और इंटेल यूएचडी 620 बेस्ड लैपटॉप है, इसमें टेस्ट करने वाला हूँ और कितने एपिस देता है सब कुछ मैं आप लोग को दिखाऊंगा, कौन से सेटिंग्स पर मैं खेल रहा हूँ। और अगर आपको भी मेरे जैसे सिमिलर स्पेक्स है तो कितने एपिस आएगा या थोड़ा मुझसे बेटर या कम स्पेसिफिकेशन है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई में बता दूंगा आप लोगों को कितने एपिस सबको आ सकता है। तो गाइस चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट टाइम वेस्ट के। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो है मेरा ग्राफिक्स सेटिंग्स, कौन से सेटिंग्स में मैं खेल रहा हूं। मैं चाहता हूं ग्राफिक्स की ऑप्शन पे, ऑप्शन पे जाने के बाद जो मेरा ग्राफिक्स सेटिंग्स आप लोग देख सकते हो, मैं 800x600 रेजोल्यूशन को करके सब कुछ लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे मैं खेल रहा हूं 800x600 रेजोल्यूशन पे। आप चाहो तो इससे भी नीचे कर सकते हो रेजोल्यूशन को, बहुत सारा ऑप्शन है कि आप रेजोल्यूशन पे। तो गाइस हम लोग सीधा जाते हैं गेम पे और देख लेते हैं कितने एफपीएस हमें मिलता है। तो गाइस मैं सीधा गेम पे, अभी गेम पे जो एफपीएस मुझे मिल रहा है 4 का एफपीएस मिल रहा है और 720 भी लो पे मैं जब ट्राई कर रहा था ऐसा ही सेम एपिस मुझे मिल रहा था। मुझे उतना ज़्यादा 800x600 लो पे उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट था, मतलब 720 में मैं खुद मतलब ऐसे ही ट्राई कर रहा था तो मुझे अभी जो है 7 का एपिस मिल रहा है। गाइस आप देख सकते हो, पता नहीं यार जस्ट कॉज 3 का ऑप्टिमाइजेशन ख़राब है या फिर इंटेल यूएचडी काफ़ी ऐसा गेम में दिखा गया कि इंटेल यूएचडी का लेटेस्ट जो ड्राइवर वर्जन होता है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता। इंटेल यूएचडी अपडेट करके ड्राइवर को और भी बेकार कर देता है, ऐसे भी बहुत सारा जैसे वैलोरेंट फोर्टनाइट पे ऐसा बहुत सारा होता है, मतलब हुआ है, प्रूफ हुआ है मतलब जो इंटेल एचडी की। तो आप पता नहीं अभी जो है 5 के एफपीएस मिल रहा है 6 के एफपीएस, तो नॉर्मली जो एफपीएस रह रहा है वो 3 to 8 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 एफपीएस तक जा रहा है। गाइस अब लोग देख सकते हो 4 का एफपीएस मिल रहा है, पता नहीं यार जस्ट कॉज 3 2015 का गेम है, आई थिंक इसका ऑप्टिमाइजेशन भी ख़राब हो सकता है क्योंकि अगर ड्राइवर की वजह से होता तो इतना गंदा एफपीएस मुझे लगता है नहीं मिलता। पता नहीं यार अभी देखते कि 5 to 6 एफपीएस आप लोग देख सकते हो, गेम प्ले बहुत ज़्यादा लैगी है, बहुत ज्यादा स्टेटस मुझे दिख रहा है 5 to 6 एफपीएस, अभी जो है 5 के एफपीएस 6 के एफपीएस ऐसा ही मिल रहा है, मतलब जो नॉर्मली एवरेज जो रह रहा है अगर कहूँ तो 4 to 5 ऐसे एफपीएस एवरेज रह रहा है जो एकदम ही प्लेवल नहीं है। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आपका इंटेल एचडी मतलब जो मेरे जैसे स्पेसिफिकेशन है आप लोग खेलते हो तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा इसको खेलने के लिए क्योंकि आप लोग देख सकते हो तो खुद ही परफॉर्मेंस, अब पता नहीं यार इसको ये ड्राइवर की अपडेटेड क्योंकि मुझे लगता है कि ड्राइवर अपडेट होगा तो भी इतना ना गंदा परफॉर्मेंस आई थिंक मुझे नहीं मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी गंदा परफॉर्मेंस मुझे मिल रहा है और अभी मैं ट्राई करूंगा कि मैं ग्राफिक्स में जाके थोड़ा चेंजेस करूंगा रेजोल्यूशन पे तो फिर से मैं ट्राई करूंगा कि कितने एफपीएस मुझे मिलता है। तो गाइस अभी मैं सीधा जाता हूँ मेरा सेटिंग्स पे और सेटिंग्स में मैं थोड़ा रेजोल्यूशन को चेंजेस करूँगा कि फिर देखूँगा मुझे कितने पैसे मिलता है। तो मैं अभी जाता हूँ सेटिंग्स की ऑप्शन पे और फिर मैं जाता हूँ ग्राफिक्स पे। आप लोग ग्राफिक्स क्लिक करने के बाद जो रेजोल्यूशन है उसको मैं चेंजेस करूँगा और मैं उसको 640x480p रेजोल्यूशन में देखूँगा, देखूँगा मुझे आगे कितने पैसे मिलता है इस रेजोल्यूशन पे। गाइस सो गाइज नाउ आई एम ट्राइंग विथ 640x480 रेजोल्यूशन और देख सकते हो गेम प्ले में स्टटर्स दिख रहा है, फिर भी स्टटर्स दिख रहा है और अभी एफपीएस 12 चल रहा है, 12 का एफपीएस चल रहा है, 8 का एफपीएस चल रहा है गाइज, 8 का मतलब 7 का एफपीएस चल रहा है गाइज, आप लोग देख सकते हो 4 का एफपीएस, मतलब कोई भी मतलब उतना ज़्यादा चेंजेस मुझे रेजोल्यूशन चेंज करके भी देखने को नहीं मिला। मैं बहुत कुछ कर चुका, मतलब मैं इस गेम को सेटिंग्स पे जाके ग्राफिक्स पे जाके इसको करके हाई परफॉर्मेंस पे भी सेट कर चुका फिर भी इस गेम में बहुत ही ज़्यादा लैग परफॉर्मेंस मतलब लैगी जो है और स्टटर्स वगैरह दिख रहा है गाइस, आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्टटर्स हो रहा है। 3 का एफपीएस मिल रहा है, दैट्स मतलब ऑब्वियसली मुझे पता नहीं कि ये कौन से कारण की वजह से हो रहा है, बिकॉज हो सकता है ये गेम ऑप्टिमाइजेशन ख़राब हो या फिर इंटेल यूएचडी 620 से नहीं चला पा रहा हो या फिर इसका जो ड्राइवर इंटेल यूएचडी 620 का ड्राइवर वर्जन अपडेटेड है इसीलिए गेम इतना ज़्यादा लग रहा है। अभी जो है चल रहा है, अभी जो है गाइस 3 का एफपीएस मिल रहा है, तो गाइस 4 का एफपीएस मिल रहा है, आप लोग देख सकते हो 5 का एफपीएस मिल रहा है। तो मैंने बहुत सारा कुछ चेंजेस किया जैसे लाइक रेजोल्यूशन लो वगैरह सब कुछ किया बट परफॉर्मेंस में उतना कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। अभी 8 का एफपीएस मिल रहा है, मतलब जो मैक्सिमम एफपीएस जा रहा है वो 10 तक 12 आई थिंक एक बार गया था तो मैक्सिमम एफपीएस हम लोग 12 कह सकते हैं और एवरेज जो हमारा रह रहा है वो 5 to 6। और मैं फिर से कहूँगा कि RDR2 पे मुझे इससे अच्छा परफॉर्मेंस मिल गया था, तो पता नहीं यार क्या मसला है। तो जो भी हो वीडियो आज के लिए इतना था, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर ना तो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस करके ऑल कर देना ऐसी ऑडियो वीडियोज़ के लिए और शेयर कर देना वीडियो को अगर चाहो तो गाइस मिलता है अपनी अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय गाइस।